हम बात कर रहे हैं कायरल कार्बन की, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालो कायरल कार्बन। एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़ी हो उसे क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। ठीक है, लिखिए, एक कार्बन इन विच, कार्बन इन विच ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन, ऑल फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन अटैच्ड विद डिफरेंट ग्रुप ऑब्लिक एटम्स कॉल्ड कायरल। तो मेरे पहले दिमाग में आया कि चार वैलेंसी होगी तभी तो चारों से अलग अलग अटैच होगा। अगर किसी के पास पाई बॉन्ड आ गया कार्बन के साथ तो उसकी फिर कितनी वैलेंसी रह जाएगी? तीन। और दो पाई बॉन्ड आ गया तो दो ही रह गई। इसका मतलब कार्बन के ऊपर चार वैलेंसी होना मस्ट है, और जब चार वैलेंसी होना मस्ट है तो उसकी शेप उस समय क्या होगी? टेट्राहेड्रल, लाइक दिस, ऐसा रहेगा कार्बन, ये होगा यहाँ ए, यहाँ यहाँ कुछ भी ले लो, यहाँ पी क्यू आर एस, चारों वैलेंसी अलग अलग होगी, पक्का। इसका मतलब एक और चीज़ है कि ये टेट्राहेड्रल होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, और टेट्राहेड्रल होगा। मेरे लिए ये कायरल कार्बन था, लेकिन मेरी डेफिनेशन जो IUPAC स्टैंडर्ड है वो ये थी कि एक ऐसा कार्बन जिसके पास किसी तरह से भी काटा जाए उसके ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आए उसे हम कायरल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन है हमारे पास, चारों वैलेंसी हमारे पास ब्लू, पिंक, ग्रीन, वाइट। हमने अगर प्लेन यहाँ से काटा, मान लो यहाँ से काटा, एक तरफ ग्रीन और एक तरफ क्या आएगी? वाइट आएगी। यहाँ से काटा पिंक और वाइट, दिख रहा है, यहाँ से काटा पिंक एंड ग्रीन, इस तरह से काटा, एक तरह से वाइट और एक तरह से पिंक, यानी कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। लेकिन इन केस कोई भी दो वैलेंसी सेम हो गई, मान लो ये वाइट है ये भी वाइट है, बस फिर मैंने यहाँ से काटा और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है ऐसा प्लेन जो दोनों तरफ बराबर काट सके, तो उसे फिर हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे। ये IUPAC ने कहा कि कार्बन को अगर इक्वल काट दिया जाए तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलनी चाहिए, और ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। लेकिन अगर चारों वैलेंसी अलग अलग है तो बात वही आ रही है, इजी कौन सी डेफिनेशन रहेगी? ये वाली। तो हमारे लिए ये डेफिनेशन बहुत हो गई, अच्छी हो गई, ईजी रह गया कि भाई ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है वो POS नहीं रखेगा, POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखेगा, और वो कायरल कहलाएगा। तो ये नोट हमारे लिए अलग से रहेगा कि इस तरह का कार्बन जिसके अंदर चारों अलग अलग है वैलेंसी है वो POS नहीं रखता, POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखता। ये की पॉइंट आपके पास हो गया, और इसको हम कायरल बोलेंगे। और कायरल कार्बन को अक्सर हम स्टार से डिनोट कर देते हैं, सी के बाद स्टार लगाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? कायरल कार्बन हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऐसा क्या खास बात है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, कायरलिटी को पढ़ रहे हैं? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो सकते हैं? ये हमारे लिए दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। हाँ, हो सकते हैं एक से ज़्यादा दो, क्या फिर तो 10 भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे कार्बन है, चारों की वैलेंस, किसी भी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग हो तो उसे हम कायरल तो बोलेंगे। तो हमारे लिए एक से ज़्यादा कायरल वाले भी हो सकते हैं, कम वाले तो हमारे लिए क्या होंगे? जीरो। तो क्या आप अभी जो भी आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, हैविंग कायरल कार्बन और नॉट? चलो इस पे काम करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। जल्दी से लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन? ए ऑप्शंस,
क्या ये कायरल रखेगा? नहीं, बी ऑप्शंस। क्या ये कायरल रख रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें तो एक भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास चारों चार वैलेंसी हो। यहां तो क्या दिख रही है, चार वैलेंसी का मतलब चार सिग्मा बॉन्ड हो, यहां तो ऐसा हो ही नहीं रहा। सी, क्या ये कायरल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्यों नहीं है? इस कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, पक्का? बाकी इस तरह की वैलेंसी और इस तरह की वैलेंसी क्या है? सेम है, दिख रहा है? नहीं है। और एक और ऑप्शन Cl और Br, क्या ये कायरल है या नहीं है? तीन गलत होंगे तो चौथा सही होगा, ऐसा बच्चे अक्सर। ये कायरल है, ये वाला कायरल है। कैसे? एक क्लोरीन, हाइड्रोजन, दोनों वैलेंसी अलग है। इधर से चलो कार्बन 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 कार्बन, इधर से चलो कार्बन, लेकिन ब्रोमीन वाला, अलग अलग हो गई ना वैलेंसी। यस और नो? अभी आपके लेवल पे क्लियर है? तो ये कायरल है, तो फिर ये भी कायरल है। हाँ मैं मान रहा हूँ ये कायरल है, इसमें तो दो दो कायरल है। क्या ये कायरल है? कार्बन, सोच के बोलो। इसकी एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन, लेकिन इधर से देखो एक दो तीन, तीन पे ऐसा कार्बन है जिसपे ब्रोमीन है। इधर से भी एक दो तीन, तीन पे ऐसा कार्बन है जिसपे ब्रोमीन है। कहाँ से कायरल है? नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है तो नीचे वाला भी नहीं है। नहीं है कायरल कार्बन, नहीं है इसमें, पक्का? क्या इसमें कायरल कार्बन है? है तो कितने हैं? क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं, वो कार्बन जिस पे पाई बॉन्ड है वह तो वैसे ही नहीं दिख रहा, नॉट कायरल। इज दैट क्लियर? तो ये तो है नहीं। बाकी ये हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, तो ये तो वैसे भी नहीं है। इस कार्बन पे चांस मार सकते हैं, दोनों वैलेंसी अलग अलग है। इधर से गए पहला कार्बन, दूसरा एक आपके लिए क्या हो जाएगा? पाई बॉन्डेड, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? इधर से चलें, 1 2 3 पे आ रहा है, क्या अलग अलग वैलेंसी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? बोलो हाँ, बोलो हाँ कहलाएगी ना। तो ये कायरल है, और ये कायरल है तो मॉलिक्यूल भी कायरल है। कोई समझ में आई बात? तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कायरलिटी कैसे चेक करते हैं। लिखिए इनको जल्दी से। मुझे पहले ये बताया जा रहा कि कायरल कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से जुड़ी हुई है, ठीक है। मेरे दिमाग में अलग अलग आया कि कायरल हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो किसी ने कहा इसका 3D जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। मैंने कहा किसी कार्बन पे चार वैलेंसी जुड़ी हुई है तो 3D डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कैसे होगा? घुमा के हम सही कर लेंगे, दिमाग में यही आएगा, हम मॉलिक्यूल को घुमा लेंगे, देखेंगे वो तो सेम हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो वो तो सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, ये दो मॉडल लिए और बनाने की कोशिश की कि क्या इससे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है 3D या नहीं बन सकता। तो मैंने क्या करा कि वाइट इस तरह से रखा और वाइट को वाइट के नीचे इस तरह से सुपर इम्पोज करने की कोशिश की कि पिंक के नीचे पिंक आ जाए, वाइट के नीचे वाइट आ जाए। लेकिन फिर मैंने देखा ग्रीन के नीचे ग्रीन नहीं आ पा रहा। ग्रीन के नीचे क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है, और ब्लू के नीचे कौन आ रहा है? ग्रीन। तो इसका मतलब ये एक दूसरे पे पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। अगर मेरे को लगा शायद घुमाने से सही हो जाए, तो घुमाने के मैंने ग्रीन को सेट करने की कोशिश की तो पिंक बिगड़ गया। मतलब एक को सेटिंग करने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी मॉडल बिगड़ जाती है, सही है ना? तो वो चीज़ क्लियर हो रही है कि एक को करते हैं दूसरी बिगड़ती है, दूसरी को सेट करते हैं पहली बिगड़ जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बात को चलने देते। तो इसका मतलब कि यार ये 100% एक जैसी चीज़ तो नहीं है, यानी ये एक अलग है, ये एक अलग है कॉन्फिगरेशंस। आप इसको 3D में समझ पा रहे हैं, 2D में नहीं समझ पा रहे थे, सही है ना? ये एक अलग कार्बन है, ये एक अलग कार्बन है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे जब भी अलग अलग होता है। तो इससे पहले तो हमारे लिए आइसोमर्स सिर्फ स्ट्रक्चर होता था,
लेकिन अब हमें आइडिया लगा नहीं, स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ सेम दिखते हुए भी, 2D में सेम दिखते हुए भी 3D की वजह से वो डिफरेंट हो रहे हैं, तो ये कौन सा आइसोमर्स कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक हो गया हमारे लिए ऑप्टिकल। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। भाई हम इसको ऑप्टिकल क्यों बोल रहे हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और यहाँ हमारे लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, तो हम क्या क्या नाम डालेंगे वो हमें देखना है, ठीक है? तो पहले तो हमारे लिए आइसोमर्स हमारे लिए हो गया और हम उनकी डेफिनेशंस लिखना चाह रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहला तो हमारा काम होगा एनेंशियोमर्स की डेफिनेशंस। एनेंशियोमर्स और कायरल, सिंगल कायरल की बात कर रहे हैं, सिंगल कायरल कंपाउंड। सिंगल कायरल कंपाउंड में दो बातें होती हैं, या तो कंपाउंड एनेंशियोमर्स होते हैं, एनेंशियोमर्स यानी डिफरेंट, या फिर वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम, सेम कंपाउंड, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। या तो वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाएंगे या फिर वो क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। तो बिल्कुल सही है, एनाइशोमर्स की डेफिनेशंस क्या होगी हमारे पास? मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप एनाइशोमर्स की डेफिनेशंस क्या बनाएंगे। तो सिंगल कायरल कंपाउंड्स जो भी हमारे पास हैं, टू डिफरेंट कंपाउंड्स बट नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर, कॉल्ड एनाइशोमर्स। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए हो जाएगा टू सिंगल कायरल कंपाउंड्स, टू सिंगल लिखते जाए, टू सिंगल कायरल कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले चेक करेंगे, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम नहीं होता तो हो सकता है वो एक दूसरे के क्या होते? स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो जाते। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले चेक करेंगे, और अगर स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं है तो हम यहाँ आने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा रास्ता वही हो जाएगा, नहीं वही हमारे लिए बेस्ट है। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 1,000 रुपये का नोट है और 1,00,000 रुपये का है, तो आप 1,00,000 रुपये को बेस्ट बोलोगे, फिर 1,00,000 है और एक 10,000 10,00,000 हैं तो 10,00,000 को बेस्ट बोलोगे, तो रिलेटिव है। स्ट्रक्चर पहले बोला जाता है, फिर आप ऑप्टिकल पे आते हो या स्टीरियो पे आते हो। तो टू सिंगल कायरल कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बट नॉट सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज्ड टू ईच अदर, कॉल्ड एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स तो मैंने उनका नाम क्या कर दिया? एनेंशियोमर्स दे दिया। पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर ही हो गए, तो फिर एनेंशियोमर्स बोलने की बेवकूफी मत करना, सही है? अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कंपाउंड था हमारे पास, हमारे पास ए बी सी डी है सपोज, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिंपल सुपर इम्पोज करने की कोशिश करी और ए को नीचे ए लिख बिठा भी दिया, बी के साथ बी को रख भी दिया, लेकिन सी इधर चला गया, डी इधर चला गया, क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं? तो नॉन सुपर इम्पोज, सो दे आर एनेंशियोमर्स। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, पहली चीज कि वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं या नहीं है, फिर उसके बाद कि उनमें जो कार्बन है वो कायरल है नहीं है। अगर सपोज ये कायरल नहीं होता तो सब बेकार हो जाता, आप एनेंशियोमर्स भी नहीं बोल सकते। तो कायरलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? चारों वैलेंसी अलग अलग है या नहीं है,
समझ में आ रही है? अब आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सुपर इम्पोज टू ईच अदर, बस नॉन की जगह यहां बट नॉट नॉट सुपर की जगह नॉट वर्ड हटा दो, बाकी सारी की सारी डेफिनेशन आपके पास क्या रह जाएगी? सेम, बट सुपर इम्पोज्ड टू इच अदर कॉल्ड एनाइशोमर्स। इज दैट क्लियर? तो सुपर इम्पोज कैसे हो सकता है? ए बी सी और डी, हम यहां तक पहुंच गए, ये हमारे पास कायरल है, सही है। बी ए सी और ये भी डी, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है? हाँ, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, डी के नीचे डी, तो ये एक दूसरे के लिए क्या है? सुपर इम्पोज है, और सुपर इम्पोज है सो दे आर आइडेंटिकल और सेम। अगर ये कायरल नहीं होता तो भी आइडेंटिकल हो जाते, फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, दो वैलेंसी सेम हुई, कायरल नहीं है, कायरल नहीं है तो आइडेंटिकल है। यानी ये पूरी लड़ाई तब होती है जब कायरलिटी हो, कायरलिटी नहीं हो तो सब बेकार है। इज दैट क्लियर? कायरलिटी हो दो कंपाउंड में तब भी दो केस हो सकते हैं कि वो आइडेंटिकल हो या फिर एनाइशोमर्स, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। मुझे एक और चीज़ से पता लगाना था कि कैसे मैं आगे बताने की कोशिश करूं कि ये कायरल हैं तो उनकी, या एनाइशोमर्स हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी, और आइडेंटिकल है तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनाइशोमर्स इसी के नीचे चलने दीजिए, टेबल के नीचे ही। देखिए मेरे पास ए था, बी था और ये मेरे पास सी है, वैच पे मैंने सी और यहाँ डैश लगा दिया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आई समझने में? और नीचे वाला जो कंपाउंड सुपर इम्पोज नहीं हो रहा था वो उठा के मैं यहाँ लेके आया, तो क्या था उसके अंदर? ए के साथ ए, समझना, बी, और यहाँ क्या था? ये इस जगह डी, और ये क्या था? सी। कोई दिक्कत? पक्का? मैंने रोटेशन रूल लगा दिया, रोटेशन रूल आपको मालूम होगा थोड़ा सा, नहीं मालूम मैं बताता हूँ, सी और डी। अगर आप रोटेट करते हो, ये चीज़ इधर लाते हो, पूरा 180 पे घुमा देते हो मॉलिक्यूल को, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो आपने क्या करा, ए और बी इधर ले लिया, लेकिन जब ये चीज़ पूरी 180 पे घूमेगी, मॉलिक्यूल ऐसे घूम गया, तो ए बी इधर आ गया, लेकिन ये जो सी है ये सॉलिड हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा? डैश। ये सॉलिड हो गया, बोलो हुआ या नहीं हुआ, और ये क्या हो गया? डैश। तो बताइए ये एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल। और ये आपने 180 डिग्री रोटेशन किया है तो ये सेम है, सेम कंपाउंड, बोलो सही है ना बेटा? ये इसका, हाँ सॉरी, ये इसका एनाइशोमर्स है, लेकिन ये इसका क्या है? सेम है। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? एनाइशोमर्स। ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? एनाइशोमर्स। अब आप इनको देखो, एनाइशोमर्स दिख रहे हैं ये, क्या आपको यहां पर, अगर मैं यहां पर एक दीवार खींच देता हूं, कांच रख देता हूं, दीवार नहीं कांच रख देता हूं, तो आपको ऐसा नहीं लगता? ए को ए दिखाई देगा, डी के सामने डी आ गया, सी के सामने सी आ गया, बी के साथ पीछे बी आ गया, बिल्कुल। तो क्या ये आपको मिरर नहीं दिखेंगी? दिखेगी ना। तो ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स हैं, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज। तो ये हमारे लिए मिरर इमेज है, सही है। तो अगर कोई दो कंपाउंड ऐसे हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो बताइए वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे या नहीं होंगे?
नहीं होंगे, और नहीं होंगे मिरर इमेज वाले सुपर इम्पोज नहीं होते। देखो ये सुपर इम्पोज नहीं थे आपस में, थे क्या? नहीं थे। और ये आपस में एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, सही है। तो अगर कोई कायरल कंपाउंड है, कायरली जी पहले देखना है, और वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। दूसरी तरफ इसका मतलब जब मैं आइडेंटिकल को देखता हूँ, तो आइडेंटिकल एक बार पहले बना तो लें, फिर एक साथ समझ लेंगे। ए बी, ये सी और ये डी। आपने आइडेंटिकल बनाया ए बी सी और डी, क्या आपने आइडेंटिकल बना दिया? हाँ, सेम है आइडेंटिकल। मैं यहाँ लिख सकता हूँ आइडेंटिकल, मैंने इसका सेम बनाया। फिर कैसे बनाऊंगा सेम? 180 पे घुमा दिया ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? सी। और ये क्या हो जाएगा? डी। इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेशन। आप बात को समझिए, तो 1 डिग्री रोटेशन करते ही ये सेम बनेंगे? हाँ, ये भी आइडेंटिकल था, ये इसका आइडेंटिकल है। तो और ये सेम, हमने वो का वही उठा रखा है, यानी कि कोई चेंज नहीं किया है। तो अब आप बताइए ये एक दूसरे के क्या है? सेम यानी आइडेंटिकल है या नहीं है? अभी तक हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, ये भी आइडेंटिकल है। अब आपने अगर यहाँ पर मिरर लगा भी दिया, ये मिरर लगा दिया हमने, तो क्या ए के सामने ए आ रहा है? हाँ। बी के पीछे बी आ रहा है? हाँ। लेकिन डी के सामने कौन आ रहा है? सी। और सी के सामने कौन आ रहा है? डी। तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। तो जब वो मिरर इमेज नहीं है, तो वो सुपर इम्पोज होंगे और वो आइडेंटिकल होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तो आपके पास मिरर इमेज थे और यहाँ आपके पास मिरर इमेज नहीं है। तो अजीब सी बात है, जो मिरर इमेज होते हैं वो सुपर इम्पोज नहीं होते, और जो मिरर इमेज नहीं होते वो सुपर इम्पोज होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए की पॉइंट रहेगा इस पूरे नोट के बाद। तो आपको समझ में आ गई बात? तो कितना सही पकड़ लिया आपने कि आप मिरर इमेज उनकी एक प्रॉपर्टी हो गई एनाइशोमर्स की, कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो प्रॉपर्टी हो गई आपकी एनाइशोमर्स, जो कि एक दूसरे के डिफरेंट कंपाउंड है। तो यहां तक आप लिखें। अपने ये प्रॉपर्टी लिखने का है, आप थोड़ा सा कैसे लिखेंगे? अपन इतना हमने बोल दिया कि एनाइशोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं पक्का, और तो उल्टा लिख रहे हैं अपन, या जैसे भी आप लिखना चाहें लिखें इसको मेरे साथ बहुत सही तरीके से। पहले आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि सेम कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, ये आपने सबसे पहले देखा। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखा? कायरल है या नहीं है? कायरल एटम, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या देखा? मिरर इमेज है नहीं है? अगर मिरर इमेज है, मिरर इमेज है इस प्रेजेंट, तो फोर्थ आप आराम से बोल सकते हो दे आर डिफरेंट कंपाउंड, सेम नहीं, डिफरेंट कंपाउंड, यानी कि एनाइशोमर्स, दे आर एनाइशोमर्स। तो पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, सीक्वेंस ये रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हमारे को फिशर प्रोजेक्शन में भी मिरर इमेज दिखाई देगी सिंगल कायरल में? हाँ दिखाई देगी, लेकिन आसानी से दिखाई देगी। थोड़ा और देख लेते हैं अपन कैसे। यहां तो दिखाई दे रहा है, तो आप क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, सी को उधर ले जाओ। अगर आप इसका ये बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ए बी C
सी डी, और इसका बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ए बी सी इधर आ जाएगा और डी, तो क्या ये आपस में पेयर चेंज हुआ? तो वैसे ही क्या एक दूसरे के डिफरेंट कंपाउंड, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार कर लेते तो आसान बन जाएगा। देखते हैं कैसे। ए बी सी डी कोई है, और दूसरा ए बी और डी सी, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है बताना। यहाँ फीचर में थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन है, और ये एक दूसरे की फीचर इमेज है, और जब ये एक दूसरे की फीचर इमेज है तो ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स है। यहां पर आइडेंटिकल केस में तो आपको बहुत इजी दिखेगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको वही सीक्वेंस रखनी है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, कायरल सेम है, फिर मिरर इमेज इज प्रेजेंट, बोथ आर नॉट मिरर इमेज, तो मिरर इमेज इज नॉट प्रेजेंट, तो उसके बाद दे आर आइडेंटिकल। बस आप पूरा तरीके से नोट्स लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। ए सी डी बी अगर कोई कंपाउंड है, ए ऊपर बी सी डी, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, ये आइडेंटिकल है, देखो, तो ये काट देंगे। तो ये हमारे पास बहुत सही पॉइंट हुआ कि हम इसको कैसे दिख रहे हैं, आ रही है बात समझ में? दूसरी तरफ यहां हमारे लिए एक की पॉइंट होगा, इफ कायरल एटम मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज टू ईच अदर, देन दे विल नॉट सुपर इम्पोज, एंड दे आर एनेंशियोमर्स। ये हमारे पास पॉइंट बनेगा यहां। सही है, जबकि यहां क्या बनेगा, इफ कायरल एटम मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज की जगह नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, देन दे विल नॉट कट जाएगा आपका जो पहले लिखा था, सुपर इम्पोज्ड, दे सुपर इम्पोज्ड एंड दे आर आइडेंटिकल। सही है, तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाना चाहिए कि वो आइडेंटिकल है या नहीं है। इसके बारे में अगर आपको पता चल गया तो आपका आधा काम हो गया। इसको लिखें जल्दी से, लिख लिया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं या सुपर आइडेंटिकल हैं या एनेंशियोमर्स हैं। कर सकते हैं आप, मैं हटा दूँ ये, तो हेडिंग क्या रहेगा आपका क्वेश्चन का, शो द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग पेयर। शो द रिलेशंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर, शो द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग पेयर, शुरू करूं मैं, शो द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग पेयर। तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, सी एच ओ
OH CH3 H CHO OH H CH3 क्या आंसर लगता है आपको, जल्दी से बताओ देख के। आप इसको मत सोचो कि मिरर इमेज है या नहीं है, आप तो बस पहले ही पता लगा लोगे कि एक पेयर चेंज कर दिया आपने, बाकी एक पेयर को सेम रखा है। यस और नो? तो ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स। आप बहुत ज्यादा लंबा मत करना कि इसको घुमाओगे फिर देखोगे मिरर इमेज है नहीं है, इसके लिए तो आपको बहुत पहले वाली थ्योरी काम आ जाएगी जो मैंने कहा था, एक पेयर चेंज करने पर डिफरेंट मिल जाता है और दो पेयर चेंज करने पर आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल इसका सेकेंड करते हैं, और आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, इसको घुमा के देखोगे और आपको पक्का एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नहीं मिलेगी, मिलेगी क्योंकि वो एनाइशोमर्स है, क्योंकि वो एनाइशोमर्स है। OH CHO CH3 H OH CHO H CH3 दिक्कत है, हमारे दो पेयर चेंज हो गए, एक तो ये और एक ये, दो पेयर चेंज होते ही वो एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। तो बताओ ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब आपको वैसे भी नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप प्रूव करना चाहते हो मिरर इमेज के लिए, तो इस कंपाउंड को पहले आपको ऐसे मतलब दो पेयर चेंज करके फिर आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चाहो तो कर लो मैं कर देता हूँ आपके लिए। OH CHO CH3 H इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ। तो जब मैं इस पेयर में लाता हूँ तो मैंने एक चीज़ पढ़ा है कि दो पेयर एक साथ चेंज कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, हाँ या ना? अब इसको घुमा दो, किसी भी कंपाउंड को 180 डिग्री पे घुमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये OH CHO ये पूरा इधर यूं घूम गया, तो CHO इधर आ गया, डैश और सॉलिड, डैश पे कौन चला जाएगा उधर, CH3, और एच पे कौन, वैच पे कौन आ जाएगा, एच। अब इसको हटा दो बीच में, OH के सामने OH, CHO के सामने CH, समझ में आ रहा है? लेकिन एच के सामने कौन आ रहा है, CH3। मिरर इमेज नहीं है, प्रूव कर दिया। मिरर इमेज चेक करने के लिए ऊपर और नीचे वाली चीजें सेम होनी चाहिए, फिर उसके बाद मिरर इमेज चेक करते हैं, ये भी अंदर दिमाग में बिठा के रखना, सही है? और अब आपको मिरर इमेज नहीं दिख रही है, तो वो तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि एक दूसरे के ये क्या है, आइडेंटिकल है, समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, फिशर बना के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं अगले वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिशर पे ही कमेंट करवाऊंगा आपको डायरेक्ट। ये तो वैसे ही दिख रहा है यार, आप सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप क्या फिशर बना के करोगे क्या? आप भी दिख रहा है कि दो पेयर चेंज हुए हैं, दो पेयर चेंज होते ही वैसे ही क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल। मेरा आंसर, मुझे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच पकड़ता हूं मैं, सही है? OH CH3 H CHO OH CH3 CHO H, क्या लग रहा है ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है, एक ही चीज है दो बार उतार लिया। हाँ यहां CHO लेता है, यहां H लेता, एनाइशोमर्स होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल एनाइशोमर्स, ये एक दूसरे के क्या है, एनाइशोमर्स। बोलो पकड़ में आ रहा है? लेकिन एक और एग्जाम्पल किसी ने ऐसा ले लिया, OH CHO CH3 H OH यहां CHO यहां CH3 यहां H यहां, तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है, सबसे पहली ऊपर और नीचे वाली चीजें सेम दिखनी चाहिए। बोलो यस और नो, क्या यहां पर CHO कहां दिखाई दे रहा है,
इस तरफ, और इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर, ये हमारी दीवार है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर भेज दें और OH को नीचे ले आए, काम चल जाएगा। लेकिन जब हम ये करेंगे तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत आसानी से आपने OH CHO और यहाँ क्या कर दिया, CH3H। अब देख लो आप, CHO OH CH, हाँ, तो दिक्कत हो गई हमारे लिए कि हमारा CH3 अब क्या रह गया, हमारे को तो H यहाँ पर चाहिए था, CH3 यहाँ चाहिए था, फिर ये दिक्कत हो गई। आई या नहीं आई, ऊपर और नीचे तो सेम दिखना चाहिए था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अपन कुछ और चेंज करते हैं, अपन एक काम करते हैं, अपन को CHO कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, और CHC, तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे को पकड़ के, इस हाथ को पकड़ के तीनों को चेंज कर देते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो ये अपन ने करा तो हमारा काम चल जाएगा। हमने क्या करा, CH3 को यहाँ पकड़ा, भाई किसी को भी, CH3 को नहीं, H को पकड़ लिया, H को पकड़ के इन तीनों को घुमाया, तो CHO ऊपर चला जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा और CHO इधर आएगा। ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है, समझ में आ गई आपको, क्योंकि H H को तो चाहिए ही चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए था, इस जगह CHO चाहिए था, तो इसको ऊपर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको ये भेजा, एक को पकड़ के अगर तीन की पोजीशन आपस में चेंज कर दी जाती है तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिकल। तो ये इसका आइडेंटिकल है, ये तो एज इट इज उतार दिया तो वैसे ही आइडेंटिकल है। अब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इन दोनों में होगा। तो बताओ CHO, अच्छा मैंने जब इसको घुमाया, CHO ऊपर गया तो OH कहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा और CH3 वहाँ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अब आप बताओ क्या ये आपको एक दूसरे के एनाइंशियोमर्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ या ना, हाँ, ये एक दूसरे के एनाइंशियोमर्स है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, एनाइंशियोमर्स है, इज दैट क्लियर। अब डिपेंड करता है कि हम इसको कितनी जल्दी और कर सकते हैं, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था, तो थोड़ी और प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, सही है। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, वुमेन तो ऑलरेडी परफेक्ट होती है ना, तो चलता है, तो करें स्टार्ट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ। अब आपको बताना है मेरे साथ ही करते हुए कि बताइए एक दूसरे के क्या रिलेशन रखते हैं। मैंने ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और मैंने यहाँ लिख दिया आयोडीन यहाँ पर, ब्रोमीन यहाँ पर, फ्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पर क्या लिख दिया, क्लोरीन, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, बचा जो फ्लोरीन। तो आप किसी एक को घुमा दो बस, चलिए इसको एज इट इज रख दो, ClFBr(I), ये तो आप कर चुके हो, सही है ना, इसको तो एज इट इज लिख दिया आपने। अब आपको Cl कहाँ चाहिए, ऊपर, चलिए ठीक है। आपको कोई भी इन दोनों में कॉमन चीज दिखाई दे रही है क्या, नहीं ना, तो आपने क्या करा, आप क्या करेंगे, फ्लोरीन को नीचे लाने की कोशिश करो। तो चलो एक चीज तो सेट कर दो, फ्लोरीन को नीचे लाने की कोशिश करी तो ये पूरा आपने मॉलिक्यूल कितने में घुमा दोगे आप, फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे घुमाओ, फ्लोरीन क्लोरीन और ये ब्रोमीन आयोडीन, पूरा मत घुमाओ 90 पे, दो पेयर चेंज करो। फिर अब आपके पास क्या चीज सेम हो गई, एक पकड़ में आ गया, एक आया या नहीं आया, एक तो आ गया ना, अब बाकी क्या नहीं आ रहा, ऊपर ब्रोमीन चाहिए था, इसको पकड़ा फ्लोरीन और इन तीनों को इस तरह से घुमाया कि क्लोरीन ऊपर चला जाए, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और आयोडीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, बोलो सही है ना। एक को पकड़ के अगर तीनों को आपस में चेंज किया जाता है तो आइडेंटिकल मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है ना। तो अब देखो फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ गया, और ब्रोमीन के सामने आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल ब्रोमीन इधर है, इसमें ब्रोमीन इधर है, तो ऑब्वियसली अपोजिट दिख रहा है ये पेयर, ये एक दूसरे क्या है, एनाइशोमर्स, ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स है, तो ऑब्वियसली ये भी एक दूसरे के क्या है, एनाइशोमर्स, हाँ या ना। फिफ्थ एग्जांपल बोलो यस और नो, बिल्कुल सही है। तो अब आपका मास्टरी हो जानी चाहिए, आपको लग रहा है कि कोई भी पेयर सेम नहीं है, तो पहले एक को मिला लो, आपस में दो पेयर चेंज करें, मैंने इन दोनों को चेंज करा, इन दोनों को चेंज किया, एक को नहीं करूंगा, एक को करते फिर वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है।
तो धीरे 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 प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाए कि देखते ही समझ में आ जाए कि इसकी क्या है, करने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो वो आएगी बात। वो दो पांच एग्जांपल और करने पड़ेंगे। सिक्स करें। मैंने यहाँ पर सी एच ओ सी एच टू ओ एच क्लोरीन और ये ब्रोमीन। सबसे पहले देखेंगे कि कंपाउंड कायरल है या नहीं है। ध्यान रखना, मैं अचानक एक ऐसा एग्जांपल दे दूंगा जहाँ कायरल ही नहीं होगा और पूछूंगा क्या है, तो जिसमें कायरल नहीं होंगे वो वैसे ही आइडेंटिकल हो जाएंगे या स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। अभी आपने क्या देखा, क्या ये कायरल है, चारों वैलेंसी? हाँ बिल्कुल सही है। क्या नीचे वाला कार्बन कायरल है? नहीं, दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं उस पर, एक ही कार्बन पे। तो मेरा क्लोरीन यहाँ पर है, सी एच टू ओ एच यहाँ पर है, बी आर यहाँ पर है, और बचा कौन सा ग्रुप, सी एच ओ यहाँ पर है। ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए। तो इसको तो एज इट इज उतार लो दिमाग में, सी एच ओ सी एल बी आर सी एच टू ओ एच। जब भी दो पेयर में चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों पेयर को चेंज करना सही है या इन दोनों को ऐसे आपस में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ज़्यादा सही रहेगा। तो सी एच ओ सी एच टू ओ एच नीचे आ गए, बी आर इधर आ गया और सी एल इधर आ गया, पूरा ये आपस में चेंज हो गया, आइडेंटिकल बन गया। अब ये एक दूसरे के क्या है, ये भी आइडेंटिकल, ये इसका आइडेंटिकल, ये इसका आइडेंटिकल, तो ये इसका भी क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल। बोलो यस और नो। तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, अच्छे से पकड़ में आ गया? हाँ बोलो। आइडेंटिकल के लिए इस जगह यहां से ये बनाते वक्त नहीं, एक मिनट, पहले तो आइडेंटिकल बनाने के लिए आपको यहां पर दो पेयर चेंज करने पड़े, वो आपने कर लिया। अब ये देखो कि ये ऊपर और नीचे सेम पकड़ लो, पकड़ लिया। उसके बाद देखना पड़ेगा बीआर की तरफ, बीआर है इधर, यानी ये इस जगह मिरर नहीं बन पा रहे, दिख रहा है ना, मिरर नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। दिखी रहा है, वैसे देखा जाए तो यही कंपाउंड दोबारा दिख रहा है मेरे को, उठा के ही तो रखा है, वही राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे बीआर है, उसमें भी लेफ्ट साइड पे बीआर है, सीएल है, सीएल है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है दो कंपाउंड में ऊपर नीचे सेम बना दो और फिर देख लो दाएं बाएं में, कोई डाउट नहीं है, श्योर है। तो ये तो हमारे लिए हो गया। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप मेरे से पहले करेंगे, लिखने के साथ ही हम सब साथ करेंगे, और बताना पड़ेगा आपको पीछे से कि एक दूसरे के क्या है। सेवन नंबर का एग्जांपल, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, हमारा टाइम स्टार्ट। मैंने ये कंपाउंड एज इट इज रखा, यहाँ मैंने कोई चेंजेस नहीं करा, इसको देख रहा हूँ मैं। मुझे पता चला क्लोरीन को मेरे को ऊपर लाना है, मैं क्लोरीन को ऊपर ले आया और फ्लोरीन को मैं यहाँ लाऊंगा, इनको भी चेंज करूँगा बी आर और आयोडीन। तो अब एनाइशोमर्स, क्या बात है, आ गया सबका आंसर, एनाइशोमर्स, यस और नो? तो ये एक दूसरे के क्या है, एनाइशोमर्स, दिख गया। मैंने ये पेयर चेंज करा आपस में, कौन से पेयर चेंज करे, इन दोनों को आपस में चेंज करा, इन दोनों को आपस में चेंज किया, बस खत्म। मेरे पास और भी थे, मैं इनको भी आपस में चेंज करता, लेकिन फिर वो वाली चीज़ नहीं आती, ऊपर ऊपर नीचे नीचे लाना था मेरे को। तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो मैंने आपको बता दिया, और आपके दिमाग में भी वही चल रहेगा तो आपकी भी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या आप हर क्वेश्चन को हर आंसर को 30 सेकेंड के अंदर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक और बी आर सी एल, बताओ ये एक दूसरे के क्या है, बोलो ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल या एनाइशोमर्स? पहले देखो कायरल है भी या नहीं है, कायरल है,
ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि इसके एक तरफ बी आर है, एक तरफ सी एल है, और एक तरफ कार्बन कार्बन कार्बन, एक डबल बॉन्ड कार्बन आ गया इधर से पहले, तो ये है कायरल है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या करा है, अगर देखा जाए, मेरे को नहीं मालूम मिरर इमेज का भी कंसेप्ट, तो दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो मैंने ये 180 डिग्री पे घुमा दिया, ये वाला तो घुमा दिया पक्का, ऊपर वाला घुमाना भूल गया, तो जब एक तरफ घुमा रहा हूँ एक तरफ घुमा नहीं पा रहा, डिफरेंट, यानी डिफरेंट का मतलब एनाइशोमर्स, ये एक दूसरे के क्या है, एनाइशोमर्स है 100%, ये एनाइशोमर्स होंगे, सही है। तो इसका आइडेंटिकल क्या होगा, सोचो एक सेकेंड, ये 8 नंबर, ये 9, बी आर सी एल, आपने इसको घुमाया, आप एक काम करो बस सी एल और यहाँ बी आर, जब ये पूरा 180 में घूमेगा तो जो आगे था सॉलिड का मतलब आगे, वो पीछे हो जाएगा और पीछे वाला आगे हो जाएगा। अब ये बताओ एक दूसरे के क्या है, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। अब आप कहेंगे सर हमें तो मिरर इमेज दिख नहीं रहे, नहीं है तो इसका मतलब मिरर इमेज दिख भी नहीं रहे हमें, तभी तो बोल रहा हूँ ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ये, क्योंकि हर चीज पूरी घुमाई है आपने, सही है, बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो यही चीज आपको दिखनी है कि आपने जब पूरा डबल बॉन्ड वाले को इधर से उठा के इधर लिया है, तो ये चीजें भी आपकी चेंज हो रही है, तो आपने मेरी चीजें पकड़ना शुरू कर दिया अच्छे से, सही है। तो ये आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको, और एक और एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं, 10 ये एक दूसरे के क्या है, आंसर पहले तो देखो क्या ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं या नहीं है। आप देखो जो डबल बॉन्डेड है, नेमिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, बी आर सी एल बिल्कुल सेम है, यानी ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं है। अब नहीं है तो दो बातें हो सकती है, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं या नहीं है, हैं तो एनाइसोमर्स होंगे, नहीं है तो आइडेंटिकल होंगे। तो अब मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि मैं इनमें कैसे गैस करूंगा, तो फिर तो इसका मतलब मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हूँ, क्या करूँ, मैं मिरर भी नहीं देख पा रहा, कुछ भी नहीं देख पा रहा, फिशर बनाऊंगा इस जगह, दोनों का क्या बना लूँ, जोर से बोलो फिशर बना लो, फिशर जल्दी बता देगा आपको। तो अब आप मेरे साथ हो, फिशर बनाते वक्त आप कहां से देखेंगे, ऊपर से, जब आप ऊपर से देखेंगे ये आपके पास कार्बन इस तरह से देख रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन और इस तरफ सिंगल बॉन्ड कार्बन, बोलो यस और नो, और आउटसाइड द प्लेन सीएल कौन सा हाथ है मेरा, लेफ्ट, ये सीएल और ये क्या हो गया बी आर, चलने दो, अगर आपको दिक्कत आ रही है ये इस तरह से भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसका भी फीचर बनाओ, कहां से देखोगे, ठीक है, यहां से देखोगे इधर से, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर कार्बन, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड कार्बन, चलने दो, और ये जब आप इधर से देखोगे बी आर कहां दिखाई देगा, राइट में, और सीएल कहां दिखाई देगा, लेफ्ट में। अब चेक करो, आपको ये ऊपर भेजना है, ये ऊपर भेजो डबल बॉन्डेड, और ये नीचे भेज दो, तो इस पेयर को भी चेंज कर दो, इधर क्या लिखोगे आप सीएल और इस तरफ क्या लिखोगे बी आर, बोलो हाँ या ना, एनाइशोमर्स है, ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, एनाइशोमर्स, बोलो
बोलो कुछ समझ में आया? तो हर जगह मिरर एकदम से नहीं दिखती, अब कैसे देखूंगा मैं मिरर क्या है? तो फिशर बना के ही कर दिया मैंने। इसीलिए मैंने आपको पहले कन्वर्जन सिखाया, डायरेक्ट एनाइशोमर्स की डेफिनेशन नहीं बताई, आपको सब कुछ आना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने के लिए। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दैट्स गुड, फिशर आपकी मदद करेगा, लिखो इसको।